कोई कार्यक्रम। साथियों, आज बड़ी संख्या में जीपीओ पे कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जुटे हुए हैं। पुलिस भाइयों को न्याय दिलाने के लिए आप ये देखिए कि ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ योगी के गुंडा राज की सरकार आंदोलनकारियों को जेल में भेज रही है, लाठी चला रही है, गोली चला रही है उनके ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ विकास दुबे नाम के अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है। आप ये सोचिए कि जब इस सरकार ने सीओ एसओ से लेकर के हमारे तमाम पुलिस भाई सुरक्षित नहीं है तो ये आम जनता का क्या हाल होगा। यहाँ पर दिन दहाड़े हत्याएं होती रही हैं और उसके बावजूद योगी सरकार की आंखें नहीं खुली। आप देखिए कि आज जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने पुलिस भाइयों के समर्थन में जाकर के प्रदर्शन कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि उनके परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा और साथ ही सरकारी नौकरी दी जाए, तब न्याय मांगने वालों पे लाठी चलाई गई, न्याय मांगने वालों को मारा गया। समाजवादी पार्टी की महिलाओं के ऊपर अभद्र शब्द का प्रयोग किया गया पुलिस द्वारा, उन्हें घसीटा गया, सड़कों पे मारा गया। तमाम नौजवान जब इकट्ठा हो रहे थे तो जगह जगह उनको पीटा जा रहा था, रोका जा रहा था। उसी क्रम में देखिए अभी हम सारे लोगों को इको गार्डन लेके आए हैं। नमस्ते पूजा जी, आज हम समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश की जो भ्रष्ट सरकार और उत्तर प्रदेश की जो कातिल सरकार के खिलाफ और जो कल की घटना जो कानपुर में हमारे पुलिस के जवान जो शहीद हुए उनके खिलाफ, उनके समर्थन में, उनके सहयोग में जो हम लोग आज ज्ञापन देने शांतिपूर्वक जा रहे थे जीपीओ की तरफ, मगर पुलिस प्रशासन के लोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पुलिस जो उनकी पर्सनल गुंडी पुलिस है उसके माध्यम से हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया और आज जेल भेजने का काम किया। मगर योगी जी, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप चाहे जितनी बड़ी जेल बना लीजिए, आप चाहे जितनी लाठियाँ चला लीजिए, हम समाजवादी लोग, हम समाजवादी कार्यकर्ता, चाहे पूजा शुक्ला जी हों, चाहे रसी हसन हों, हमेशा डरने वालों में से नहीं है। आज लड़ाई जनता की लड़ते रहेंगे और ऐसे ही लोगों के इंसाफ के लिए रोड पे उतरते रहेंगे। जय हिंद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब जब योगी डरता है, समाज के पथ पर आए हैं।